न्यूज सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। मणिपुर में बाढ़ से तबाही। नवतपा के छठे दिन पारा 44.6 डिग्री पर। भीषण गर्मी के बीच मानसून ने केरल पूर्वोत्तर में दी दस्तक। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मणिपुर में बाढ़ से तबाही, 3 लोगों की मौत, हजारों हुए बेघर, घरों में घुसा पानी। मणिपुर के इम्फाल घाटी में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से 3 लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग प्रभावित हुए। बुधवार को सेनापति जिले के थोंगलांग रोड पर भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में 34 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। वहीं 83 वर्षीय एक महिला उफनती सेनापति नदी में डूब गई। इम्फाल में बुधवार को 75 वर्षीय एक व्यक्ति बारिश के दौरान बिजली के खंभे के संपर्क में आ गया और करंट लगने से उसकी मौत हो गई। इम्फाल नदी के उफान पर होने से कई इलाकों में पानी भर गया और इम्फाल घाटी में सैकड़ों घरों में पानी घुस गया, जिसकी वजह से लोगों को पास के सामुदायिक भवनों में शरण लेनी पड़ी है। अधिकारियों ने बताया कि नंबुल नदी के उफान पर होने के कारण इम्फाल पश्चिम जिले के कम 86 इलाकों में बाढ़ आने की सूचना है, जिनमें खुमान, लंपक, नगरम, सगोलबंद, उरीपोक, केसामथोंग और पाओना इलाके शामिल हैं। एक लगातार बारिश के कारण इम्फाल पूर्वी जिले के केरांग, खाबम और लरिये गबाम लेकाई क्षेत्रों के पास इम्फाल नदी का तट टूट गया और पानी कई क्षेत्रों में घुस गया, जिससे सैकड़ों पर जलमग्न हो गए हैं। इम्फाल पूर्वी जिले के हेमांग और खुरई विधानसभा क्षेत्रों के कई इलाके बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा, कई इलाकों में नदी के तटबंध टूटने के कारण अनेक लोग और पशु प्रभावित हुए। राज्य सरकार के अधिकारी, सुरक्षा और NDRF कर्मी और स्थानीय स्वयंसेवकों सहित सभी संबंधित अधिकारी प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। फंसे हुए लोगों को नावों से सुरक्षित क्षेत्रों में पहुँचाया जा रहा है। आइए बढ़ते अगली खबर की। नवतपा के छठे दिन पारा 44.6 डिग्री पर। नवतपा लगते ही नागपुर सहित पूरा विदर्भ भीषण गर्मी की चपेट में आ गया है। नागपुर में गुरुवार को दिन का तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि पूरे विदर्भ में गर्मी के मामले में छठे नंबर पर रहा। 44.9 डिग्री के साथ ब्रह्मपुरी सबसे गर्म रहा। कहा जा रहा है कि नागपुर में नवतपा के बचे हुए दिनों में झुलसाने वाली गर्मी का दौर जारी रहेगा। हालांकि लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि तापमान तो 44.6 दर्ज हो रहा है, लेकिन दोपहर के समय भीषण गर्मी 45-46 जैसे चुभने लगी है। उधर जून माह की 1 और 2 तारीख को नागपुर में बारिश के आसार भी बन रहे हैं। हालांकि बारिश से तापमान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार विदर्भ साथ ही मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में हीट वेव का असर बना रहेगा। पारा सामान्य से ऊपर दर्ज किया जाएगा। वातावरण शुष्क होने की वजह से ही पारे में बढ़ोतरी का दौर जारी है। जून माह के शुरुआती 2 दिन नागपुर और विदर्भ में बारिश होने का भी अनुमान जताया जा रहा है। आई बढ़ते अगली खबर की। भीषण गर्मी के बीच मानसून ने केरल पूर्वोत्तर में दी दस्तक। देश के ज्यादातर राज्यों में जारी प्रचंड गर्मी के बीच राहत की खबर है कि केरल में मानसून ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि महाराष्ट्र समेत विभिन्न राज्यों में अगले 2 दिनों में प्री मानसून की फुहारें बरसेंगी, जो लगातार चढ़ते पारे को कुछ हद तक नियंत्रित करेंगी। चक्रवात रेमल के प्रभाव से दक्षिण पश्चिम मानसून ने गुरुवार को केरल तट और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में दस्तक दे दी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान से 1 दिन पहले ही दक्षिण पश्चिम मानसून ने दस्तक दे दी है। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि चक्रवात ने मानसून के प्रवाह को बंगाल की खाड़ी की ओर खींच लिया, जो पूर्वोत्तर में समय से पहले मानसून के दस्तक देने का एक कारण हो सकता है। चक्रवाती तूफान रेमल रविवार को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तट से टकराया था। अब आप हमारे न्यूज़ चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ TV पर। नमस्कार।
पर और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।